दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं फिरोज, फिरोज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। ये आप जो मिक्सर देख रहे हैं ये सुजाता का डायनामिक्स है। आपने थोड़े दिन पहले हमारे चैनल पर सुजाता की सुपर मिक्स की वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सुजाता मिक्सर का जो रियल रिव्यू है वो मैंने उसमें बताया है, और इस वीडियो में सुजाता डायनामिक्स 900 वाट इसका भी रियल रिव्यू बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है रियल में इसके अंदर। ये कोई पेड वीडियो नहीं है कि पैसे लेकर वीडियो बना रहा हूं तो तारीफ़ पे तारीफ़ पहले जाऊंगा तारीफ़ के अलावा कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। कोई पेड वीडियो नहीं है, जो रियल में इसके अंदर होगा सिर्फ वही बताऊँगा। अगर आपने हमारे चैनल पर विज़िट नहीं करा है तो आप एक बार विज़िट करके देखें। हमारे चैनल पर आपको करीब 200 वीडियो मिल जाएंगी जो सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर को रिपेयर और मिक्सर के पार्ट्स के ऊपर मैंने बनाई है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा रियल में ये सुजाता का मिक्सर जो है ये कैसा है, जो इसका प्राइस इतना हाई होता है नॉर्मल मिक्सर के मुकाबले। इस वीडियो में सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरी देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल फिरोज़ इलेक्ट्रिकल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चले बिना देरी करे हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और इस मिक्सर के बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सुजाता का बॉक्स है ये। इसे खोलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ कागजात मिल जाते हैं, कुछ मॉडल्स इसमें बने हुए हैं, हटा देता हूँ। स्मॉल जार का कैप है ये। दो एक्स्ट्रा ब्लेड मिलते हैं। एक्स्ट्रा ब्लेड आपके रखे ही रहेंगे, यूज़ में बहुत ही कम आते हैं, इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं इन। सीधे आपको प्रोडक्ट के ऊपर लेके आ रहा हूँ। ये देखिए ये भैया क्या है, सुजाता का मिक्सर है। मैं डब्बे को साइड में कर देता हूँ प्रोडक्ट को निकाल करके, वरना दिखाने में काफ़ी परेशानी होगी आपको क्या क्या है इसके अंदर। सब कुछ मैं बाहर निकाल लेता हूँ। एक दो बार मैं इसे यूज़ भी कर चुका हूँ मिक्सर को, इसको काफ़ी अच्छी चलती है। डब्बे को मैंने हटा दिया। ये देखिए एक छुरी मिलती है बस मसाले को मिक्स करने के लिए, मिलाने के लिए फुल साइज़ वाले जार में, या इसमें भी आप इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं, इसलिए होती है ये स्मॉल जार। जैसा आपको मैंने बताया था डायनामिक्स और सुपर मिक्स में सेम ही होता है ये वाला जार, तो सेम वैसा ही जार है, जैसे उसमें था वैसा ही इसमें जार है। बिल्ड क्वालिटी एकदम एक नंबर नजाब क्वालिटी है। सॉकेट के ऊपर सुजाता, कपलिंग के ऊपर सुजाता, हर जगह पर सुजाता लिखा हुआ मिल जाएगा। ये देखिए सुजाता की सील भी लगी हुई मिल जाएगी इसमें। ये है मीडियम जार। भैया क्या ही बताऊँ, जो डायनामिक्स और सुपर मिक्स ये जो दो मिक्सर है इसका ये वाले जार में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखिए ये जो ऊपर की ये साइड है ना उसमें फर्क है थोड़ा सा, इसका मुझे और ज़्यादा हैवी लगता है। थोड़ी सी ये महंगी भी है उससे, इसीलिए थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी उससे थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी इसके अंदर दी है। ये है हमारा मिक्सर, 900 वाट का मिक्सर है ये, देख सकते हैं आप 900 वाट का मिक्सर है। जो ये कपलिंग लगी हुई है टीथ, इसे ड्राइवर टीथ कपलर कपलिंग बोलते हैं, तो ये जो कपलर के ऊपर ये टीथ लगा हुआ है ये एल्युमिनियम का टीथ है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, कभी ख़राब होने वाला नहीं है ये, ना घिसेगा ना टूटेगा कुछ भी नहीं होगा। एक बार लग गया अब ये चलता ही रहेगा। ये है, ये देख सकते हैं ये विप का ऑप्शन है, और जो नॉर्मल डायनामिक्स और सुपर मिक्स में सेम ही होता है वैसे ही इसके अंदर भी है। जो सुपर मिक्स में था वैसे ही इसके अंदर ऑन ऑफ और मीडियम स्लो का है। इस वाले में ये वाला, मतलब इसकी वजह से इसके पैसे बढ़े हुए हैं 1000 रुपये। आप ऑनलाइन जब चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, सिर्फ इसकी वजह से, इस जार की वजह से। इसकी बिल्ड क्वालिटी दोस्त बहुत ही हेवी है, मतलब कोई नॉर्मल जितनी मिक्सर होती है उतना वेट केवल इस जार के अंदर है, इतना ज़्यादा वेट है इसका। जो ये ढक्कन देख रहे हैं केवल ये मुझे लग रहा है 250-300 रुपये का, तो ये ढक्कन होगा, ऐसी क्वालिटी इस ढक्कन की। ये देखिए इस तरीके से इसको लॉक लगते हैं, 3 लॉक वाला ढक्कन होता है इसके अंदर ये, और एक एक लॉक को हम पुश करके लगा देते हैं इस तरीके से। तीनों लॉक लग चुके हैं सुजाता, इसके ऊपर भी स्टिकर लगा हुआ है सॉकेट के ऊपर, जैसा कि सभी सॉकेट के ऊपर सुजाता लिखा होगा। भैया क्वालिटी के मसले में तो पूछो ही मत, इतनी लाजवाब और इतनी फर्स्ट क्लास क्वालिटी है इस मिक्सर ग्राइंडर की। ये मिक्सर आप एक बार ख़रीद लें फिर हमेशा यूज़ करते रहें, बहुत ही कम रिपेयर होने के लिए आती हैं। मेरा रिपेयर का एक्सपीरियंस 10 साल का है इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर 100 मिक्सर रिपेयर होने के लिए आती हैं तो उसके अंदर 2 से 3 मिक्सर ही सुजाता की होती है, बाकी बहुत सारे ब्रांड की होती हैं।
मतलब सुजाता का मिक्सर बहुत ही कम रिपेयर होने के लिए आता है, कभी कभी आता है, क्योंकि बहुत कम ख़राब होता है, कमर्शियल यूज़ होता है फिर भी बहुत ही कम ख़राब होता है। अब आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, भाई आपको मैं एक सलाह देता हूँ इस टॉपिक पर, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फैमिली कितनी बड़ी है ये नहीं कहूँगा मैं कि अगर छोटी फैमिली है तो हल्की मिक्सर ले लो। अगर आपका बजट है 2000 रुपये का, 1500 रुपये का, 2500 रुपये का, तो आपको एक नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर ले सकते हैं। एक 2 ईयर वारंटी के साथ में बहुत सारे मिक्सर आते हैं, कई फिलिप्स है, हेवल्स है, कई कंपनी है जो 2500-3000 की रेंज में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 4000-4500 रुपये की कोई 900 वाट 750 वाट मिक्सर ग्राइंडर किसी और कंपनी की लेते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको, फिर आप ये मिक्सी ले लें। इसका आप चाहे तो सुपर मिक्स मॉडल ले लें, चाहे ये डायनामिक्स मॉडल ले लें, आप दोनों मॉडल में से कोई सा मॉडल ले सकते हैं, दोनों मॉडल बेस्ट हैं एकदम। जल्दी ही हम अपने चैनल पर सुजाता का जो जूसर है उसका भी रियल रिव्यू दिखाएंगे, कैसी होती है वो, कितनी बिजली खपत होती है ये भी आपको दिखा देता हूँ। मैं फुल स्पीड पे चलाऊँगा और आपको दिखा दूँगा कितना बिजली खर्चा होगा इस मिक्सर को चलाने से, कितने एम्पियर लेगी ये। ये मिक्सर 1 एम्पियर, 1.2, 1.3, 1.5 इस तरीके से एम्पियर लेती है, मतलब मसाला डलते ही तुरंत पीस जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इसमें पीसने में। बहुत सारी मिक्सर जो वो हल्की वाली होती हैं वो पूरी जान लगा देती हैं अपनी, फिर भी मसाला सही से बारीक नहीं कर पाती। आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल फिरोज़ इलेक्ट्रिकल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।